आपको वो रिसिप्ट मिलेगी, लेकिन बैंक्स जो लोन कर रही हैं आपको वो रिसिप्ट को नहीं मानती हैं, उनको ITR चाहिए होता है। तो आप अगर आपके पास भी रिसिप्ट आई हुई है तो अपने अकाउंटेंट से या अपने CA साहब से बात करें कि उसको ऑनलाइन वेरीफाई करके अपने आधार नंबर से, या उसका एक और प्रोसेस होता है बैंक से भी अपन कर सकते हैं, तो उससे वेरीफाई करा के और आपको एक्नोलेजमेंट दे दें, ताकि आपको कोई भी तरह का लोन लेना हो तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। अगर इसमें आपको डिटेल से पूरा समझना है इस चीज़ के बारे में और कैसे वेरीफाई करते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा, ताकि मैं आपके लिए डिटेल्स वीडियो डिटेल पूरा वीडियो बना के और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।